नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 11 है। दोस्तों रीजनिंग आपको पार्ट वाइज करा रहा हूँ, मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूँ, और जो पार्ट वाइज में दोस्तों क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा और सभी पार्टों को देखिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, यानी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। और दोस्तों एक चीज बता दूं, क्वेश्चन आप सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे दोस्तों, पहले अपने आप से कोशिश करेंगे प्रश्न आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे, स्टॉप करेंगे और अपने आप से सभी प्रश्नों पर करेंगे स्टॉप करके कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। तो साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए, और उसके बाद ना समझ में आए तो आप देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, और फिर उस टाइप के प्रश्न आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। कह रहे ना, देखिए यहां प्रश्न चिन्ह कहां है दोस्तों, श्रृंखला में, यहां पे, यहीं पे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या आएगी। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सीरीज से रिलेटेड यानी श्रृंखला से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, श्रृंखला कैसे आगे चल रही है। कहने का मतलब है दोस्तों, यहां देखिए 3 है, 5 है, 12 है, 20 है, 48 है, 80 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, 320 है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब श्रृंखला की संख्याओं को दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो तुरंत इसका आंसर आपको दिखने लगेगा। कैसे, देखिए अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो यहां देखिए 3 के बाद से दोस्तों 5 है, 5 के बाद दोस्तों क्या है, 12 है, ठीक है, 12 के बाद 20, 20 के बाद 48, 48 के बाद 80। यहाँ पे अगर जो अंतर देखें इन लोग का, तो कोई आपको एक टाइप का सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, नजर नहीं आ रहा होगा। तब क्या किया जाता है दोस्तों, देखिए तब क्या करेंगे, 3 के बाद 12, देखिएगा अगर जो मैं बोलूँ 3 चौक को 12, फिर 12 चौक क्या दोस्तों, एक एक संख्या छोड़ के देखिए, 12 चौक 48, 48 चौक को क्या होगा दोस्तों, अगर जो गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, 192 होगा, आप गुणा करके भी देख सकते हैं, ठीक है, यहां तक तो सही है। चलिए जो संख्या छूटा है फिर उसको देखेंगे, 5 के बाद 20 यानी कि 5 चौक को 20, फिर उसके बाद से 20 गुणे 4 करेंगे तो क्या होगा, 20 चौक को 80, 80 गुणे 4 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 320 होगा। यानी ये कर क्या रहा है दोस्तों, एक एक संख्या छोड़ के गुणा 4 गुणे 4 गुणे 4 करते जा रहे हैं, ठीक है। आप, मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप समझ रहे होंगे। कैसे, 3 चौक को 12, 12 चौक 48, 48 चौक को 192, प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या रहा है दोस्तों, 192 आ रहा है। 192 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो आपको ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, और हमेशा दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, कैसे इसको मात्र 2 से 3 सेकंड में सॉल्व किया जाता है बिना काउंट किए। देखिए अब मैं दोनों तरीका बता रहा हूं, बेसिक भी और ट्रिक भी, ठीक है। एक चीज और बता दूं दोस्तों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी को, उन लोगों जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग क्या करेंगे, उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। चलिएगा पहले दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण है। त्रिकोण मतलब त्रिभुज, त्रिभुज मतलब क्या होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये जो दोस्तों चित्र दिया गया है, ठीक है, फिगर जो दिया गया है ना, इसी फिगर में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना है, कितने त्रिकोण है आपको बताना है, और त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को। देखिए इस प्रकार से त्रिभुज बनता है, देखिएगा तीन भुजाएं होती है जिसमें ये इस टाइप से ये क्या होती है दोस्तों, देखिएगा एक भुजा ये है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, कितने भुजाएं हो गई, तीन भुजाएं हो गई, तीनों भुजा से घिरी हुई आकृति क्या हो गई, त्रिभुज हो गई, और इसी टाइप से आपको देखना है कि इसमें कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो देखिए बेसिक कैसे काउंट किया जाता है, बेसिक आपको बता रहा हूं, देखिएगा ये, देखिए यहां से अगर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, समझिएगा यहां से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक नंबर हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, ये आठ। यहां पे एक एक वाला कितना हो गया दोस्तों, एक एक वाला कितना हो गया है, 8 हो गया है, ठीक है। अब देखिए अब दो दो काउंट करिएगा, देखिएगा ये वाला, देखिए जहां पे मेरा पेन चल रहा है आपको नजर आ रहा होगा, ये कितना हो गया दोस्तों, 9, समझिएगा ये कितना हो गया, 9। फिर इधर से काउंट करेंगे, समझिएगा यहां साइड से चला रहा हूं, ठीक है, 10, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 11, कितना हो गया दोस्तों, 11 हो गया, फिर एक ये वाला बचा है, ठीक है,
ये कितना हो गया, 12, 12 हो गया, कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, 12 हो गया ना। अब देखिए 12 के बाद, 12 के बाद आप काउंट करिएगा, देखिएगा यहाँ मेरा जहाँ पेन चल रहा है ध्यान दीजिएगा, ये भी त्रिभुज ही है। 12 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 13 हो जाएगा, फिर इधर से देखिए 13 और एक 14 हो गया, फिर इधर से देखिए दोस्तों यहाँ से 14 एक क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 और एक ये वाला, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों ये 16। टोटल कितने त्रिभुज है इसमें, 16 त्रिभुज है, ठीक है। 16 दोस्तों किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो आपको ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा दोस्तों लॉन्ग मेथड, क्या रहा, लॉन्ग मेथड, लंबा तरीका। अगर जो आप नहीं काउंट कर सकते दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तब आपके लिए आसान तरीका भी है। देखिएगा क्या करना है, पहले आप सिंगल सिंगल ट्रिंगल को काउंट करेंगे, कितने त्रिभुज है श्रृंगल, सिंगल सिंगल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं, 8 है ना, तो इसको क्या करेंगे, 8 into 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 × 2 कितना होता है, 16। डायरेक्ट आंसर दिया जाता है इसका 16, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, क्या करेंगे, सबको काउंट करेंगे और 2 गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया इसमें, 16 इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीका रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, प्रश्न चिन्ह है कहाँ, यहाँ पे है, देखिएगा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहीं पे आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए देखिए 123 का संबंध जो दोस्तों 36 है, उसी प्रकार से कहने का मतलब है प्रश्न का, समझिएगा 136 का जो संबंध 36, देखिएगा 123 का संबंध दोस्तों जो 36 है, उसी प्रकार से दोस्तों 221 का संबंध किससे होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं आपको बहुत आसान तरीका समझा रहा हूँ। देखिए अब आप देखिए 123 को दोस्तों हम क्या करें कि 36 आ जाए, ठीक है। तो देखिए अगर जो दोस्तों हम इसमें से कुछ जोड़े घटाए और फिर 221 में से जोड़े घटाए, ठीक है, तो ऐसे ये आने वाला नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार से ये किया है ना दोस्तों 123 यानी 136 को, 123 को 36 लिखा है, उसी प्रकार से दोस्तों हम 221 को लिखेंगे। अब देखिए मैं समझा रहा हूं, देखिए 123 दोस्तों किन संख्याओं से मिलकर बना है, ये क्वेश्चन का मेन पैटर्न है, अच्छे तरीके से समझिएगा। 123 किस संख्या से मिलकर बना है, किन संख्याओं से मिलकर, 1, 2 और 3, इसको क्या करिए दोस्तों आप आपस में जोड़ लीजिए, सभी संख्याओं को जोड़िए, कितना होगा, 1, 2, 3 और 3, 3, 6, जोड़ने पे दोस्तों क्या आया, 6। अब क्या करिए दोस्तों 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 36 होता है, और देखिए 36 यहां पे दिया हुआ है। 221 दोस्तों किन संख्याओं से मिलकर बना है, 2, 2, 1, इसको आपस में जोड़िए, ठीक है, इसको आपस में जोड़िए, 2, 2, 4, 4, 1, 5, क्या हो गया दोस्तों, 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। 25 देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक किया करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर किया करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो या जितने भी आपके फ्रेंड है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास भी जरूर आप दोस्तों शेयर किया करिए। और जो नए दोस्त हैं वो क्या करेंगे दोस्तों, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा वहां पे आप क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, और बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और डेली दोस्तों मैं आपको 8 PM पे वीडियो देता हूं, कब, शाम 8 बजे डेली मैं वीडियो देता हूं मैथ की, रीजनिंग की, ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, इसलिए दोस्तों आप डेली देखा करिए 8 PM पे यानी शाम 8 बजे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं, वेन डायग्राम बनाना है, किसका, ग्रह चंद्रमा और मंगल का वेन डायग्राम बनाना है। तो दोस्तों आपको पहले भी बताया और फिर से बता रहा हूं, वेन डायग्राम से रिलेटेड दोस्तों आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, जो शब्द दिए रहेंगे, जैसे इसमें शब्द दिया गया है ग्रह चंद्रमा और मंगल, इन्हीं शब्दों पे दोस्तों आपको विचार करना होता है, यानी इसमें इन शब्दों में
आपस में इनका कैसा रिलेशन है, संबंध कैसा है। बस दोस्तों इन शब्दों का आप क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे तो प्रश्न का आंसर भी दे लेंगे। तो देखिए कैसे रिलेशन निकाला जाता है मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा अच्छे तरीके से समझिए, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ। और दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन है ग्रह चंद्रमा मंगल। अब आपके दिमाग में आना चाहिए दोस्तों ग्रह क्या होता है, चंद्रमा क्या होता है, मंगल क्या होता है, ठीक है, ये आप अपने दिमाग में सोचिए। तो मंगल क्या है दोस्तों, मंगल क्या है, मंगल ग्रह है। चंद्रमा क्या है दोस्तों, ये चंद्रमा क्या है, चंद्रमा ग्रह नहीं है, चंद्रमा उपग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। तो ये क्या है, चंद्रमा ग्रह नहीं है, क्या है, उपग्रह है। और मंगल क्या है, ग्रह है। तो ग्रह के अंतर्गत क्या आ जाएगा दोस्तों, मंगल। अब इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, सर्कल से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए एक सर्कल हो जाएगा दोस्तों किसका, ग्रह का, और इसके अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए ग्रह का सर्कल बना लिया और इसके अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, मंगल, मंगल ग्रह है और चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। तो ये क्या होगा, मंगल और ग्रह से अलग होगा, यानी कि इसका सर्कल होगा वो अलग बनेगा, ग्रह से क्या होगा, अलग हो जाएगा, यानी इस टाइप से इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए इस टाइप से वेन डायग्राम किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन के बाद दोस्तों आपका टेस्ट का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, उसे भी जरूर दोस्तों देखिएगा और उसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए पंचम पब्लिशर की बहुत ही अच्छी ईबुक है, उसके बारे में भी लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है। तो लास्ट तक देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन का आंसर तो आपको कमेंट भी करके बताना है, पांचवा का नहीं कमेंट करना है, जो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट, सभी जितने भी स्टूडेंट है सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक मतलब क्या होता है, लुप्त अंक, लुप्त संख्या लिखा है ना, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर। देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, यहाँ की संख्या क्या है दोस्तों, गायब है, और यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो देखिएगा दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कभी भी मिसिंग नंबर से, तो बहुत ही आसान तरीका है, क्या है, पहले आप मिसिंग नंबर के संख्याओं को ध्यान से देखिए, 8, 3, 21, 6, 5, 25, 12, 2 प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, पहले आप देखेंगे मिसिंग नंबर में संख्या आपको कहीं बड़ी बड़ी नजर आ रही है, संख्या बड़ी बड़ी कहने का मतलब है इसमें देखिए इस किसी लाइन में दोस्तों आपको देखना है, जैसे कि मतलब पहले लाइन में क्या है दोस्तों, 8, 3 है और यहाँ पे देखेंगे 21 है, 6, 5 है, यहाँ पे 25 है, यानी ये क्या संख्या है दोस्तों, अदर संख्याओं से क्या है, बड़ी नजर आ रही है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, नीचे की तरफ बड़ी नजर आने लगती है ऐसे, ठीक है। तो क्या किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, दोनों तरीके से हो तो मैं बता रहा हूं, जब आपको बड़ी बड़ी संख्याएं नजर आने लगे, जैसे कि इसमें 21 बड़ा है, इसमें 25 बड़ा है, तो प्रश्न को ऐसे सॉल्व किया जाता है, यानी कि हम 8 और 3 को, देखिए ये प्रश्न को बहुत सिंपल कर देता है, बस आप बड़ी बड़ी संख्याओं को देखेंगे, और जब बड़ी बड़ी नहीं आती है तब चारों तरफ से सोचा जाता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या करेंगे, सोचने का तरीका होगा आपका क्या, 8 और 3 को दोस्तों हम क्या करें कि 21 हो जाए, 6 और 5 को दोस्तों हम क्या करें कि 25 हो जाए, और 12 और 2 को क्या करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे वो संख्या आ जाए जो ऊपर जिस प्रकार से चल रहा है सीरीज, ठीक है। यानी देखिए अब आपको करना क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए, ये देखिए 8 और 3 को दोस्तों क्या करेंगे, अगर मैं बोलूं दोस्तों 8 × 3 कर लीजिए, 8 × 3 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 × 3 करेंगे 24 हो जाएगा, और 24 में से ये वाला संख्या घटा दीजिए 3, जिससे गुणा किए ये दी वाला 3, 24 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा, देखिए 21 यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों क्या करिए, 6 × 5 करेंगे 30 हो जाएगा, और 30 में से ये 5 को घटाएंगे, 30 में से दोस्तों 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, 12 × 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 24, और 24 में से क्या घटाएंगे दोस्तों, 2 घटाएंगे, 24 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 22 हो जाएगा, और 22 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये आज का प्रश्न है, इसका आंसर आपको क्या करना है, सभी स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं सब लोगों को कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, और जिन दोस्तों को नहीं पता है इसका सही आंसर क्या होगा वो रीजनिंग का पार्ट नंबर 10 यानी 10वां पार्ट देख लेंगे, 10वां पार्ट का
ये क्वेश्चन है, ठीक है, यानी प्रीवियस जो वीडियो है, पिछला वीडियो है आपका 10वां पार्ट, उसी का ये क्वेश्चन है, वो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। बहुत ही डिटेल तरीके में समझाया हूं, तो नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, पार्ट नंबर 10 देखेंगे, और समझ में आ जाएगा तो आंसर क्या करेंगे दोस्तों, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट है दोस्तों, उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की ईबुक है, आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, क्योंकि दोस्तों इस ईबुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ईबुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों, एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा, इस ईबुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने में दोस्तों ईबुक आपको मात्र 25 रुपए मिल जाएगी। इस ईबुक को दोस्तों आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके इस ईबुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईबुक है। और डाउनलोडिंग या पेमेंट से दोस्तों आपको किसी प्रकार की समस्या होती है, दोस्तों पंचम पब्लिशर का एक कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए, जो हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो या जितने भी आपके फ्रेंड है जो आपसे जुड़े हुए हैं, तो जरूर उनको सजेस्ट करिएगा दोस्तों, वो भी हमसे जरूर जुड़े। और जो नए दोस्त हैं वो क्या करेंगे, इस रेड कलर का दोस्तों सब्सक्राइब लिखा होगा, यहां पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा। जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा, तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।